हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। इसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जिसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो मध्यमंडल, कौन सा दोस्तों, मध्यमंडल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्री की ओर। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसमें की जाती है, ठीक है। यानी बताया गया कि किसी भी नदी का अगर हम प्रदूषण का स्तर माप सकते हैं तो किससे मापा जाता है, तो यानी कि BOD के द्वारा, BOD के द्वारा है कि किसी नदी के प्रदूषण के स्तर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा कि इसके पहले हम हर एक यूनिट से सारा MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को तो आप देख लीजिए, लेकिन आप उस वीडियो को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा जो आपको यूनिट पे बताया गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एक यूनिट से हम दो पार्ट करवाएं, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि 20 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। यूनिट 2 से भी 40 क्वेश्चन दिया और यूनिट 3 से भी 40 क्वेश्चन दिया, टोटल 60 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो वो सब जाकर के देखना बहुत जरूरी है। जो यूनिट बाय करवाया गया वो क्या है कि उसको पॉइंट बाय पॉइंट ही करवाया गया, जितना ही सिलेबस में जो जो पॉइंट पढ़ना उसी से दिया गया। और ये सब क्वेश्चन क्या है कि ये सभी से है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है, कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जो यूनिट वाइज पढ़ाया गया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है। तो सी है दोस्तों जुकाम, जुकाम जो है ना वो वायरस संक्रमण से होने वाला एक रोग है, ठीक है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5वां नंबर कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कब किया गया दोस्तों, तो ये किया गया 1973 में, कब किया गया 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसको किसान को एक मित्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बयान के केचुआ, केचुआ को किसानों का एक मित्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर नीचे, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुक हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुक हुआ लिख दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका देखिए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तराखंड, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य शामिल हुआ ऐसे, ठीक है। यानी कि चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य शामिल था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, जो समुद्री शैवाल है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सी यानी कि आयोडीन का, किसका दोस्तों, आयोडीन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हम लोग, लाइकेन जिसको सेक भी कहा जाता है, ठीक है, लाइकेन जिसको सेक भी कहा जाता है वो क्या है, यानी लाइकेन क्या है। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सहजीवी, क्या है दोस्तों, सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, जो CNG है का ईंधन है वो ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है CNG का, ठीक है। तो डी यानी वाहनों और उद्योगों में, वाहन में और उद्योग में ही हम लोग CNG का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा ही सृजन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि प्रावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरण की परिभाषा यहाँ पे बताइए, ऑप्शन नंबर ये आपका, ठीक है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ठीक है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, इस चीज़ को आपको याद रखना, एबायोटिक एंड बायोटिक। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि बायो डीजल किससे तैयार किया जाता है, जो बायो डीजल वो किससे तैयार किया जाता है, तो यानी कि जेट्रोफा से, ठीक है दोस्तों, किससे, जेट्रोफा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विश्व ओजन दिवस मनाया जाता है, जो विश्व का ओजन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो बी यानी कि 16 सितंबर को, ठीक है दोस्तों, 16 सितंबर को। नेक्स्ट 17 नंबर है, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, जो सिल्वी कल्चर है वो किससे संबंधित है, तो वन एवं वन्य उत्पाद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की झूम खेती कहाँ होती है,
जो झूम खेती है वो कहाँ पे होती है, तो मेघालय में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? मेघालय में। बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा वो है जो इसके पहले करवाए गए यूनिट से, एक यूनिट से 20 क्वेश्चन, फिर एक यूनिट से 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, फिर यूनिट 2 से 20 20 दो बार करवाया गया 40 क्वेश्चन, फिर यूनिट 3 से 20 20 दो बार करवाया गया यानी कि 40 क्वेश्चन। जा करके उस चीज़ को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा जहाँ पर आप सभी को PDF मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।